विक्की कौशल की मोस्ट अवेटेड फिल्म सैम बहादुर आज सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है, जिसको लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और सिनेमा घरों की तरफ अपना रुझान लेके जा रहे हैं। जी हाँ, इसी चीज पे बात करते हैं। विक्की कौशल की पत्नी यानी कि एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने फिल्म को लेकर अपना पहला रिव्यू सोशल मीडिया पर शेयर किया है। एक्ट्रेस ने सैम बहादुर में पति विक्की कौशल की तस्वीर को शेयर करते हुए लंबा चौड़ा एक नोट लिखा है। आपको बता दें कि हाल ही में कैटरीना ने विक्की कौशल के साथ सैम बहादुर की स्क्रीनिंग में वो साथ नजर आई थी। वहीं गुरुवार को एक्ट्रेस पति के साथ की तस्वीरें खिंचवाते हुए नजर आई, जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गई। वहीं 1 दिसंबर यानी कि आज फिल्म सिनेमाघर में रिलीज हो चुकी है, जो एक बायोग्राफिकल वॉर बेस्ड ड्रामा है। वहीं फिल्म की तारीफ में कैटरीना ने नोट में लिखा है, जिसमें वो कह रही हैं, विक्की कौशल ने सैम बहादुर के रूप में एक ऐसा प्रदर्शन किया है जिसे याद किया जाएगा और ध्यान दिया जाएगा कि अभिनेता ने किरदार के लिए खुद को कितना बदल दिया। कैटरीना ने अपने नोट में आगे लिखा, मेघना गुलजार इतनी काव्यात्मक सुंदर कालसिक फिल्म है जो दूसरे युग में ले गई है। यहाँ पर उनकी कहानी को बताने का जुनून और हर शॉट में विस्तार पर ध्यान दे सकते हैं। और सैम, जी हाँ, ग्रेस हीरोज़म और ग्रेट, क्या परफॉर्मेंस है, फ्लॉलेस। मैं हैरान हूँ, आप बहुत इंस्पायरिंग हैं। आपने क्राफ्ट के प्रति बेहद शानदार अभिन्न तरीके से सच्चे हैं। आपको स्क्रीन पर अपनी चमक बिखेरते हुए देखकर बहुत गर्व महसूस हुआ। मैंने पिछले साल आपको खुद को इस फिल्म में डालते और सैम में बदलते हुए देखा है। याद रखी जाने वाली परफॉर्मेंस। जी हाँ, वही आज एनिमल रिलीज हुई है और साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस पर आज सैम बहादुर भी रिलीज हुई है। अब वही सैम बहादुर को देखना होगा कि क्या वो एनिमल को टक्कर देती है या एनिमल सैम बहादुर को टक्कर देती है। अब सैम बहादुर की तारीफ में यानी कि विक्की कौशल की तारीफ में कैटरीना कैफ तो आगे आ चुकी है। कैटरीना कैफ ने अपना पहला ऑनेस्ट रिव्यू जो है एक नोट के जरिए दिया है कि कैसे विक्की कौशल ने अपने आप को विक्की कौशल से सैम बहादुर में बदला। जी, अब आप भी ये मूवी देखिए और अपना रिव्यू हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।